ही दुश्मनी से हासिल की। इसके अलावा उस्ताद नसीर खान से किराना घराना और उस्ताद नासिर अहमद खान से दिल्ली घराने के संगीत की बारीकियां और उसकी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रथम श्रेणी के कलाकार श्री जावेद उस्मानी ने भारत के विभिन्न शहरों में जहां अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, तो वहीं दूसरे देशों की संगीत यात्राएं भी की हैं। स्वर्गीय उस्ताद सलामत अली खान की ओर से आपको गवैये की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है और यही वजह है कि आपकी गायकी में उस्ताद स्वर्गीय सलामत अली खान साहब की शैली का भी जिक्र दिखाई देता है। इसके अलावा हुसैन सारंगी वादक, हारमोनियम पर श्री जितन शर्मा जी और तबले पर श्री आशीष उपाध्याय। सभी कलाकारों का भारत भवन के इस अंतरंग सभागार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम तानपुरे पर साथ देंगे श्री रणवीर जैन और श्री लोकेंद्र जी। हम चाहेंगे कि आप अपने कर कमलों से हमारे आज के समस्त कलाकारों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री जावेद उस्मानी, श्री आशीष उपाध्याय, श्री हनीफ हुसैन, श्री जितेंद्र शर्मा, श्री दूसरे तानपुरे पर श्री लोकेंद्र सिंह, चयन किया है वो राग है गोरख कल्याण। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल है धन धन भाग और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है एक ना कहो बहुत ही सही। राग गोरख कल्याण के उपरांत आप पहाड़ी ठुमरी प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल है सैया गए परदेश। बहुत मुश्किल काम है खासकर मौसीकी गाना, जो भी गलती हो उसे माफ कर दीजिए। तो मैं सब कलाकारों से ये अनुरोध करता हूँ कि सारंगी को नहीं छोड़ें, तो सारंगी से अच्छा मूड लाने का कोई स्टूडेंट नहीं, जो तो सारंगी में चीजें किसी में नहीं हूँ। इसे मैं हरीफ मियाँ को तकलीफ दी है थोड़ी सी कि भाई मेरे साथ आके आप चलिए।
Oh.
Yeah.